हेलो एवरीडे, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड वर्मा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं एससी वर्मा का साउंड वेव से क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करूंगा। और गाइस, अभी तक मैं आपको स्ट्रिंग वेव के जितने भी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है, साथ ही स्ट्रिंग वेव के जो आपको जो मतलब थ्योरी के जो क्लासेस हैं, जो टॉपिक्स हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक्स, साउंड वेव के जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, और जो अभी मतलब एक्सरसाइज को प्रॉब्लम है उनके, और जो आपको साथ ही में जो आईटीजी की फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, उन सभी का मैं सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ। साथ ही में मैं क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए जो मैकेनिक्स लाइक मतलब जो वेक्टर्स हो गया, ठीक ना, और इलेक्ट्रोस्टेट्स क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूँगा। आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा बनाए हुए जो वीडियो है उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले, अपडेट्स मिले, तो जो मेरा YouTube चैनल है फ्री ऑनलाइन कोचिंग, इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। ओके, चलिए तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है, द टू स्टीरियो स्पीकर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 मीटर। देखो, ये दो स्पीकर हैं और ये दोनों सेपरेटेड हैं कितने से, 2.4 मीटर के डिस्टेंस से। ओके, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2.4 मीटर। अ पर्सन stand at a distance of 3.4 meter directly in front of one of the speaker as shown in figure। यहाँ पर एक आदमी है और ये जो है इस एक स्पीकर से, मतलब इस वाले स्पीकर से ये जो डिस्टेंस है वो 3.2 मीटर जो इस क्वेश्चन में इस फिगर में शो किया गया है, ठीक ना। तो find the frequency in the audible range, और ये फ्रीक्वेंसी जो ऑडिबल की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 2000 हर्ट्ज तक की है, for which the listener will hear a minimum sound intensity। मतलब कि जो यहाँ पर जो जिनकी इंटेंसिटी क्या हो, मिनिमम हो, इसका मतलब क्या है कि इस जगह पे वो कौन कौन से फ्रीक्वेंसी हैं जो मतलब इस रेंज में है और वो जो है आउट ऑफ फेज है। ओके, मतलब उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। व्हाई कॉल इंटरफेरेंस, बिकॉज दो तरीके, दो सोर्सेस साउंड वेव आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, दूसरा यहां से आ रहा है। ओके, चलो तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले लाइक मैं पाथ डिफरेंस अगर कैलकुलेट करूं, लाइक तो ये देखो, ये लेंथ 3.2 है और ये इस लेंथ को मुझे कैलकुलेट करना। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस लेंथ। सो गाइस, दिस लेंथ विल बिकम 4 मीटर। ओके, ये लेंथ क्या होगा, 4 मीटर, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो। तो जो पाथ डिफरेंस है, मतलब लाइक क्योंकि पाथ डिफरेंस बोले तो ये लेंथ, ये यहां से जो वेव निकलेगी वो ये लेंथ ट्रेवल करेगी और यहां से जो निकलेगी वो ये वाला लेंथ ट्रेवल करेगी। इस पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस आएगा। ओके, तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, आप देखोगे तो 0.8 आ जाएगा। ओके, 0.8 मीटर। ओके, तो फेज डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, 2π/λ इंटू 0.8। ओके गाइस, 0.8। और अब क्या है कि भैया ये क्या, कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या होनी चाहिए, मिनिमम मतलब 2π/λ इंटू 0.8। मिनिमम मतलब किसका मल्टीपल होना चाहिए भैया, ये पाई का मल्टीपल होना चाहिए। पाई का मल्टीपल मतलब ऑड मल्टीपल। ओके, तो ये क्या होना चाहिए, 2n+1π। ओके, सो पाई से पाई, अब देखो कटम कटम खेल लें, देन पाई से पाई कैंसिल एंड तो पॉसिबल जो वैल्यू ऑफ लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, ये हो गया 2 × 0.8/2nπ। ओके, और हमें गाइस फ्रीक्वेंसी की बात करनी है, तो हमारे पास एक फंडामेंटल इक्वेशन है, लाइक फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी। ओके, 320, इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी इनटू 1.6/2n+1 इज इक्वल टू 320। इसका मतलब क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है पॉसिबल फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगी, 320 इनटू 2n+1/1.6। ये पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं
जो जिनकी इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी कहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे वो सारे फ्रिक्वेंसी जिनकी इंटेंसिटी मिनिमम होगी इस जगह पे वो इसको फॉलो करेंगी। ओके चलो, तो एन की वैल्यू मैं 0 1 2 ऐसे लिखना रखना शुरू करता हूँ। चलो ओके गाइज, तो जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी आपकी, लाइक 200 हर्ट्स होगी। ओके सिमिलरली जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, वो होगी आपको 600 हर्ट्स, देन 1000, ओके देन आपको 1400, ओके देन 1800। दी जाती फ्रीक्वेंसी जो जिसकी इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको ये जो मैं वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में यूजफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल भोवा स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।